दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पास अत्याधुनिक रफाल सुखोई जैसे फाइटर जेट्स हैं, भरोसेमंद मिराज, जगुआर और मिग लड़ाकू विमान भी हैं। तो आखिर भारत तेजस को ही इतना महत्व क्यों देता है? दरअसल तेजस में कई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें क्रिटिकल ऑपरेशन क्षमता के लिए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार लगा हुआ है। यह हवा में ईंधन भर सकता है और जंग के लिए दोबारा तैयार हो सकता है। तेजस दूर से ही दुश्मन के विमानों पर निशाना साध सकता है। इतना ही नहीं, यह दुश्मन के रडार को भी चकमा देने की क्षमता रखता है। लेकिन आखिर तेजस दुश्मन के मिसाइलों से खुद को कैसे बचाता है, आइए जानते हैं आज के इस जानदार वीडियो में। वीडियो के आखिर तक बने रहें दोस्तों, तेजस दुश्मन के मिसाइल से खुद को कैसे बचाता है, ये समझने के लिए सबसे पहले हमें एक फाइटर जेट की तकनीक को समझना होगा। दोस्तों, ये तो फाइटर जेट से मिसाइल जब फायर की जाती हैं, तो उसे बचने के लिए बहुत सारे काउंटर मेजर होते हैं और बहुत सारे टैक्टिक्स भी होती हैं, जिन्हें युद्ध की स्थिति में ही अप्लाई किया जाता है। साथ ही बहुत सारे ऐसे मैनूवर होते हैं जो मिसाइल को आउट रन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा फाइटर जेट के लिए सबसे जरूरी होता है टाइमिंग। अगर हम बात करें मिसाइल की, तो मिसाइल आम तौर पर दो तरह की होती है। एक होती है इंफ्रारेड सीकर, जो लड़ाकू विमानों से निकलने वाले हिट की पहचान कर उनके तरफ बढ़ती है, और दूसरी होती है रडार गाइडेड, जो रडार सिग्नेचर को फॉलो करके लड़ाकू विमान तक पहुंचती है। अब इन मिसाइलों से बचने के लिए दो बेसिक काउंटर मेजर का इस्तेमाल किया जाता है। पहला होता है कैप्स और दूसरा होता है फ्लेयर। फ्लेयर का इस्तेमाल हम उन मिसाइलों के खिलाफ करते हैं जो हीट सीकिंग होती है, यानी जो एयरक्राफ्ट से हीट सिग्नेचर को फॉलो करते हुए उन तक पहुंचती है। उनको इबैट करने के लिए हम हीट सीकिंग मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई मिसाइल रडार गाइडेड है, उससे बचने के लिए हम कैप्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आपको पता होनी चाहिए कि जो फ्लेयर होती हैं, वो एक अल्टरनेट हीट सिग्नेचर को क्रिएट करती हैं, जो हीट सीकर मिसाइल को मिसगाइड करने का काम करती हैं। लेकिन जब कोई मिसाइल रडार गाइडेड होती हैं, उनके लिए हम एक्टिव काउंटर मेजर और जर्मन पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण इस मिसाइल से हम बच सकें या लड़ाकू विमान का पायलट खुद को मिसाइल से बचा सके। अब सवाल यह उठता है कि उनके जेट पर कोई मिसाइल फायर की गई है, तो उनके लिए उनके पास रडार वार्निंग रिसीवर और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम होते हैं, जिनके कारण फाइटर जेट के पायलट को पता चल जाता है कि उनके ऊपर मिसाइल लॉन्च की गई है। इसके बाद ही पायलट मिसाइल से खुद को बचाने की कोशिश में लग जाता है। अगर हम रडार गाइडेड मिसाइल की बात करें, तो ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक सेमी एक्टिव और दूसरी एक्टिव गाइडेंस। यहाँ पर कोई सेमी एक्टिव मिसाइल है, जैसे AIM-9 स्पेरो, तो इस तरह के मिसाइल लड़ाकू विमान तक पहुंचने के लिए एयरक्राफ्ट के रडार पर आधारित है, यानी इस मिसाइल को गाइड करना पड़ता है। वहीं अगर हम सीकर मिसाइल की बात करें, जैसे MRAM मिसाइल, तो ये एक एक्टिव रडार सीकर है। ये टारगेट तक पहुंचने के लिए इसे एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि इसको मिड कोर्स गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद जब ये मिसाइल अपने टारगेट की पहचान कर लेती है, तो ये अपने आप ही टर्मिनल फेज में चली जाती है और इसको हिट करने की कोशिश करती है। अब बात करते हैं कि लड़ाकू विमान इन मिसाइलों से बचते कैसे हैं। तो मान लीजिए कि किसी फाइटर जेट को लॉक कर दिया गया है और उस पर AIM-120 MRAM मिसाइल को फायर कर दिया गया है, तो उससे बचने के लिए पायलट CAPF का इस्तेमाल करता है। अब ये CAPF क्या है, तो वो भी जान लेते हैं। दरअसल CAPF छोटे छोटे इलेक्ट्रिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जो कि मिसाइल लॉन्च का पता लगते ही लड़ाकू विमान के पीछे एक बादल सा बना देते हैं, जिससे मिसाइल कंफ्यूज हो जाता है और जो मिसाइल अपने टारगेट को लॉक कर देता है, वो लॉक टूट जाता है और इस तरह से पायलट खुद को बचा सकता है। बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक काउंटर मेजर है, जो रडार गाइडेड मिसाइल को मिसगाइड कर देता है, उसको पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है, जिस कारण जो मिसाइल का लॉक होता है फाइटर जेट पर, वो टूट जाता है। वहीं अगर मान लीजिए कोई मिसाइल है जो कि IR सीकर है, यानी थर्मल सिग्नेचर यानी हीट सीकर, उसके लिए पायलट तुरंत फ्लेयर छोड़ना शुरू कर देता है, जिसके हीट सिग्नेचर को मिसाइल फॉलो करती है, जिसके वजह से मिसाइल अपने मेन टारगेट से भटक जाता है और फ्लेयर को ही हिट कर देता है। अब हम मान लेते हैं कि आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि जब फाइटर जेट इन तकनीकों का इस्तेमाल करके मिसाइल से बच जाती है, तो फिर दुश्मन महंगे मिसाइल का इस्तेमाल फाइटर जेट को मार गिराने के लिए क्यों करता है? तो देखिए दोस्तों, ये किसी तरह का मजाक नहीं होता। दरअसल मिसाइल से बचने के लिए टाइमिंग की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। अगर टाइमिंग में हल्की सी भी जल्दी या देरी हुई, तो आजकल के एडवांस एल्गोरिथम वाले मिसाइल एयरक्राफ्ट और फ्लेयर की हीट डिफरेंस में अंतर बता देती है। इसलिए इन तकनीक के साथ साथ एयरक्राफ्ट का मैनूवर होना, पायलट की स्किल और टाइमिंग होना भी जरूरी होता है।
अगर टाइमिंग हल्की सी भी गड़बड़ होगी तो लड़ाकू विमान और उसमें बैठा पायलट मिसाइल के टारगेट में आ जाता है। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि इन तकनीकों के होते हुए भी फाइटर जेट को इन मिसाइलों से खतरा बना रहता है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आखिर एक फाइटर जेट मिसाइल से कैसे बचता है, और फाइटर जेट उड़ाना किसी बच्चे का काम नहीं होता। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में उसे बताएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत।